Hey guys, what's up? मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉमर्स दुनिया में। और अब तक के धारावाहिक में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो को डिस्कस किया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से लेकर के हम लोगों ने दो रेशियो कवर किए, लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अब तक पहले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले एक जो स्टार्टिंग के दो रेशियो है उसको कवर करें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप एक बार पहले उसको देख लें, उसके बाद ये रेशियो तीसरा और चौथा आपको समझ में आ पाएगा। अब मैं बात करता हूँ आज की वीडियो में हम लोग तीसरे और चौथे, मतलब जो टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो है उसको कवर करेंगे और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर करेंगे। सो आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये दो रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग परफॉर्मेंस रेशियो को पढ़ते हैं। चलिए एडमिट आ जाएगा मेरे साथ, परफॉर्मेंस रेशियो। इसी को बच्चे हम लोग दूसरे तरीके से, दूसरे नाम से जानते हैं, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। और इसी को हम तीसरे नाम से भी बुलाते हैं, विच इज नॉन एज टर्नओवर रेशियो। सो ये तीन तरीके, एक ही चीज के तीन नाम है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। देखो परफॉर्मेंस रेशियो के अंदर हम करते हैं तो जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस के जो मेनली एक्टिविटी होती है, जो मेन एक्टिविटीज होती है, उनको हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उनमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एनालिसिस करते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। तो परफॉर्मेंस रेशियो के अंदर बेटे जो सबसे पहले हम रेशियो पढ़ते हैं, विच इज नॉन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो क्या कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है बच्चे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे आप सबको पता है कि यार हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने 11th क्लास के भी फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं ना कि जो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, अगर उसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो जो आता है दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट लागत, किस चीज की लागत भाई, उस गुड्स की जो गुड्स मैंने क्या किए हैं, सेल किए। तो जो गुड्स मैंने सेल किए उसकी जो कॉस्ट है, दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर है सबको। उसके बाद आता है बच्चे एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री जो होता है, एवरेज इन्वेंट्री ये क्या होता है, तो इन्वेंट्री का मतलब जनरली अब तक हम लोगों ने इन्वेंट्री को दूसरे नाम से बुलाते थे स्टॉक, लेकिन कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग जो है स्टॉक को हम कंपनी के फॉर्म में क्या बुलाते हैं, इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब है, तो एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू। एवरेज का मतलब दो, जब हम दो चीजों को सम करते हैं तो जब दो ही चीजें हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, तो डिवाइड बाय टू हो गए एवरेज, तो हम वैसे ही निकालते हैं इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है बेटे अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है, एक्सप्लेन क्या करता है। तो बच्चे नाम में लिखा हुआ है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हमने चेक करना होता है, इन्वेंट्री की उसकी मैनेजमेंट कैसी है, इन्वेंट्री पे कितना मिनिमम स्टॉक, कितना मैक्सिमम हमें स्टॉक रखना चाहिए, हमारा जो इन्वेंट्री है वो कितना जल्दी, कितनी फ्रिक्वेंटली सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की स्टडी करते हैं, क्लियर है सबको। उसके बाद दूसरा रेशियो आता है इसी के अंदर, जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड मतलब व्यापार, रिसीवेबल मतलब कि जो मेरा व्यापार है उस व्यापार में जो पैसा मुझे रिसीव करना है अभी बाकी, ठीक है। रिसीवेबल का मतलब क्या है कि ऐसा रिसीव जो हुआ नहीं लेकिन अभी होना बाकी है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो अब बच्चे ध्यान रखना, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल हासिल करो कि ट्रेड रिसीवेबल बनता कैसे। तो जब हम क्रेडिट में किसी को सामान बेचते हैं, उधार में सामान बेचते हैं,
तो या तो वो डेटर बिल बनता है, और अगर हम रिटर्न में लेते हैं तो या फिर वो बिल बनता है, राइट। सो बी आर, तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, सो क्रेडिट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं सजेस्ट करूंगा बच्चे कि आप पूरा नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, शॉर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है बच्चे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है, तो जो मैं उधार है भाई, सेल तो हम दो तरीके से करते हैं, या तो कैश में सेल करते हैं और या फिर हम क्रेडिट में सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल करते हैं तभी क्या बनता है बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल बनता है, अदरवाइज नहीं तो नहीं बनता। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। बच्चे मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बस मैं शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ सो देट कि आप लोग समझ पाए, बट पेपर में शॉर्ट बिल्कुल मत लिखिएगा। सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं बच्चे, अगर कई बार आपको गिवन ना हो ऐसा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी गिवन हो सकता है क्या, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर। तो ये क्या बना बच्चे, ओपनिंग टी आर, ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर। ये बन के क्या बनता है बेटे, क्लोजिंग टी आर। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये मत सोचने की चार बार बोलोगे, नहीं, ये ओपनिंग था और ये क्लोजिंग, बस, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाय 2, एवरेज क्या जाएगा, एवरेज टी आर, ठीक है। ऊपर वाले में एक बात और रिपीट कर देता हूँ, एवरेज, ये जो एवरेज इन्वेंट्री था, कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद होता है और आपने एवरेज जब निकाला तो कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर ओपनिंग गिवन नहीं होता तो बच्चा इसको क्या कर लेता है, 0 मान लेता है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करता है, तो हमेशा उसका आंसर गलत आता है। तो जब आपको खाली ओपनिंग गिवन ना हो और खाली क्लोजिंग गिवन हो, तो जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बन जाएगा बच्चे, क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाता है, फिर क्या वो एवरेज इन्वेंट्री के इक्वल हो जाता है, तो वहां पर फिर आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं। क्लियर सबको, ये दो इन्वेंट्रीज है। अब इसमें एक नया चीज क्या पूछ रहे हैं आजकल, सो लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था कि जो मेरे मैं जो सामान बेचता हूं, डेट कलेक्शन पीरियड, जल्दी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लास्ट टाइम इसमें ये पूछ गया था, ये क्या होता है डेट कलेक्शन पीरियड। उधार का मतलब समझ में आता है, डेट मतलब उधार, कलेक्शन का मतलब कितनी जल्दी मुझे मिल जाता पैसा, सो डेट कलेक्शन पीरियड कि कितने टाइम पीरियड में मेरे को जो मैंने उधार में सामान बेचा है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसको मेजर करने के लिए मैं डेट कलेक्शन पीरियड की स्टडी करता हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चे, देखो या तो डेज होगा तो डेज में होगा तो डेज, और या फिर अगर मंथ में होगा तो मंथ, डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यहां तक बात समझ में आता है सबको। अब ये डेज का मतलब, यहां पे डेज होगा तो इसका मतलब 365, मंथ होगा तो 12, और जो आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से जो वैल्यूज निकाली होगी वो वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि ऑन एवरेज मेरे को कितने दिन में पैसे रिकवर हो जाते हैं। अब अगर मेरी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, कम से कम टाइम में हो जाएगा रिकवर, तो इसका मतलब मेरी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है और मेरे पैसे डूबने के जो चांसेस हैं बहुत कम है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है, मेरे डेटर्स अच्छे होते हैं, तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, अपने कैश मतलब अपने जो बीआर होते हैं उनको आसानी से बीआर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता हूँ, ठीक है बच्चे। आगे के दो रेशियो जल्दी से एक बार जॉट डाउन कीजिएगा, आगे के दो रेशियो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तीसरा रेशियो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है एक बार समझते, देखो ट्रेड का मतलब क्या है, व्यापार, और पेबल का मतलब जिनको मैंने पैसा भी देना है, मतलब दिए नहीं है, पेबल मतलब देना है।
टर्नओवर रेशियो, टर्न का मतलब यहाँ पे, टर्नओवर का मतलब यहाँ पे स्टॉक से होता है जनरली, ठीक है। तो जिनसे मैंने स्टॉक उधार में लिया होता है उनको बदले में जो पेमेंट करना होता है, तो देखो अब ट्रेड पेबल जो है, अब बताओ मुझे कि ये जो ट्रेड पेबल है ये पेबल बनते कैसे, ये ट्रेड पेबल बनते कैसे। तो आप कह रहे हैं कि सर ट्रेड पेबल तो बनते हैं जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं और हमने जिनको पैसा देना होता है वो हमारे ट्रेड पेबल होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं ट्रेड पेबल पेबल टर्न ओवर रेशियो क्या होता है बच्चे, कि जब मैं क्रेडिट परचेज करता हूं ना, क्रेडिट परचेज करता हूं ना, तो क्या बनता है ट्रेड पेबल बन जाता है, ठीक है। और क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज एवरेज ट्रेड पेबल। अब बच्चे देखो क्रेडिट परचेज हम सब जानते हैं, ये परचेज होता है ना, जो टोटल परचेज होता है वो दो ही तरीके के होते हैं, या तो हम कैश में परचेज करते हैं और या फिर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, इसके अलावा और परचेज करने का कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि क्रेडिट परचेज बराबर क्या, अगर नहीं पता तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे, तो मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं बच्चे, मैं यहां से क्या कहता हूं कि जो टोटल परचेज है उस टोटल परचेज में से अगर कैश परचेज को मैं माइनस कर दूं ना तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्रेडिट परचेज, क्लियर है। और एवरेज ट्रेड का क्या मतलब है, एवरेज ट्रेड पेबल का क्या मतलब है, तो एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब कि ऑन एन एवरेज जो मेरा ट्रेड पेबल है वो, ठीक है। सो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय टू, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय टू। अब ये जो हम इसको दूसरे फॉर्म में और कैसे ले सकते हैं, तो और दूसरे फॉर्म में हम अगर इसको ओपन करें तो ओपनिंग जो ट्रेड पेबल है बनता कैसे, तो मैं कहता हूं ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी, ठीक है, बिल पेबल दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी मिलकर क्या बना बच्चे, क्लोजिंग टीपी डिवाइड बाय टू। अब ये क्या बन गया, एवरेज ट्रेड पेबल, क्लियर है सबको। अब देखो जो हमने सामान बेचा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ये जो रेशियो है जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, ये रेशियो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो मैं जिनसे भी मैं उधार में सामान लेता हूँ ना या खरीदता हूँ ना, उनको मैं कितनी फ्रिक्वेंटली पेमेंट कर देता हूँ, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मैं पेमेंट करता हूँ। अगर मान लो मेरा पेमेंट करने का जो तरीका है और बहुत अच्छा है, तो ऑफकोर्स मुझे जितने भी सप्लायर्स हैं वो आसानी से उधार में सामान दे देते हैं या दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरा पेमेंट पीरियड जो है अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं पैसे लेता हूँ और बहुत लंबे लंबे टाइम तक पैसे नहीं देता हूँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मार्केट में मेरी रेपुटेशन है वो खराब होगी और जो सप्लायर्स है वो सप्लाई करने को तैयार नहीं होंगे। अब इसमें जो होता है दूसरा हम निकालते हैं एवरेज पेबल पीरियड क्या होता है बच्चे, एवरेज पेबल पीरियड। सो एवरेज ऑन एन एवरेज में कितनी फ्रिक्वेंटली कितने पीरियड में कितने टाइम में, पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम से, ठीक है। सो मैं कितने टाइम के अंदर अपने क्रेडिटर को या अपने जो मेरे ट्रेड पेबल है उनको मैं पैसे पे कर देता हूँ, इसको मेजर किया जाता है एवरेज पेबल पीरियड से। तो ये क्या होता है बच्चे, जैसे कि वहां पे हमने डेट कलेक्शन पीरियड में लिखा था, सेम वैसे ही होता है, डेज में होगा तो डेज में आ जाएगा, अगर मंथ में होगा तो मंथ में आ जाएगा, डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्लियर है सबको। चलिए बच्चे साथ में लिखिएगा सभी, तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एवरेज ट्रेड पेबल या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हम क्यों पढ़ते हैं, सो दैट कि जो मेरा जो सप्लायर है वो क्या मुझे सप्लाई करने को तैयार है। ये हर एक सप्लायर चेक करता है जिसको भी वो उधार में सामान बेचता है कि जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ उसका पेमेंट करने का जो तरीका है या जो उसकी पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है और कितनी अच्छी है। अच्छी है तो आसानी से मुझे सप्लाई कर देता है, ठीक है बच्चे। सो यहाँ तक जल्दी से जॉट डाउन कीजिएगा प्लीज। चलिए बच्चे देखते हैं
नेक्स्ट रेशियो आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल सब जानते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चे, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप लोगों ने इसको दोबारा से आप लोगों ने पढ़ा था इसको, जो करंट रेशियो ने पहला रेशियो जो पढ़ा था करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, क्लियर है सबको। लेकिन ये अलग है, ये क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, टर्नओवर की बात कर रहे हैं, क्लियर है सबको। वहां पे दूसरा था, यहाँ पे दूसरा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलता है ना, जो रिवेन्यू फ्रॉम, जो मैं सामान बेचता हूँ, सामान को बेचने से जो मुझे मिलता है पैसा, जो भी रिवेन्यू आता है जनरेट होके, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं वर्किंग कैपिटल से, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं क्या वर्किंग कैपिटल से, तो क्या मिल जाता है बच्चे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं, उसी को कंपनी के टर्म्स में हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये रेशियो सिग्निफाई क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इसका क्या मतलब है कि मैं जो रिवेन्यू जनरेट करता हूँ, जो मैं रिवेन्यू जनरेट करता हूँ अपने ऑपरेशन से, अपने काम से, अपने काम से जो रिवेन्यू मैं जनरेट करता हूँ, उस काम को करने के लिए मैं कितने वर्किंग कैपिटल का यूज करता हूँ, मैं कितना वर्किंग कैपिटल का यूज करता हूँ, इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हेडिंग डालो चौथे रेशियो की, हेडिंग डालो चौथे रेशियो की।